भी सबसे पहला काम क्या करेंगे चिकन स्ट्रिप बनाने के लिए, ये देखो मेरे पास यहाँ चिकन स्ट्रिप्स है बोनलेस चिकन पीसेस से, ठीक है। सो बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लो, उसको आप ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लो, ओके। अब भी इसका करते हैं मैरिनेशन। यहाँ पे जाएगा एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चुटकी भर थोड़ी सी हल्दी, बहुत कम मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच, थोड़ा चम्मच थोड़ा सा जीरा पाउडर, मिलाएंगे सॉल्ट, क्या मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, एक काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मिलाएंगे आधा नींबू, नींबू का रस या फिर आपके पास विनेगर है एक चम्मच आप विनेगर मिला लो सिरका। इससे क्या होता है ना चिकन बहुत ही टेंडर बनेगा और सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि काटता है ये मसल्स को काटता है एसिड। तो आप इसको नमक नींबू डालो या फिर विनेगर डाल सकते हो। अभी इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके इसको कम से कम आप आधा एक घंटा छोड़ दो, अगर टाइम है तो आप इसको लगभग 2 घंटा छोड़ सकते हो, रेफ्रिजरेट करके रख दो। शाम में अगर बनाना है तो फिर दिन में आप इसको बना के रेफ्रिजरेट करके आप रख दो, शाम में आराम से आप निकालो, वो बढ़िया सा ये मैरिनेशन हो जाएगा अपना चिकन, बढ़िया से हो गया मैरिनेट, ठीक है। अभी इसको हम लोग उसका बनाएंगे कोटिंग। कोटिंग के लिए यहाँ पे मैं लूँगा ये लगभग 1 कप मैदा है, वाइट फ्लावर या मैदा, इसमें मिलाएंगे पानी, ये देखो पानी मिला के आप इसको अच्छे से मिक्स करो। देखो अपना मैरिनेशन के लिए मैदा तैयार है, अभी ये हो गया मैदा। अभी क्या करेंगे इसके कोटिंग के लिए, देखो दो चीज़ है, एक तो यार आप यहाँ पे क्या करो, प्लेट में थोड़ा सा यहाँ पे ये है कॉर्न स्टार्च, ठीक है, या फिर कॉर्नफ्लावर बोलो, इसको लेंगे लगभग ये आधा कप है, तो ये कॉर्न स्टार्च आधा कप यहाँ पे लिया हूँ मैं, और साथ में इसके मिलाएंगे, देखो तो यहाँ पे आप ब्रेड क्रम्स मिला सकते हो, मतलब ब्रेड का पाउडर या ब्रेड का चूरा, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे मिलाओ जैसे मैं कर रहा हूँ, ये है मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स, कच्चा कॉर्नफ्लेक्स है, इसको आप लो थोड़ा सा कच्चा कॉर्नफ्लेक्स लेके हाथ में अच्छे से आप क्रश करो कच्चे कॉर्नफ्लेक्स को, ये देखो बाहर की जो क्रंची लेयर बनेगी ना वो इसी से आएगी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ेदार बनेगी। हाथ से नहीं हो रहा है तो आप इसको हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो, ये देखो बढ़िया से हो गया, आप हाथ से मिला लो, हाथ से नहीं हो रहा है पर क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है ये कच्चा, तो आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो, ठीक है, ये देखो। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो अभी यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेते हैं पहले, ठीक है मिक्स हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, एक करके उठाओ एग स्ट्रिप्स, इसको डिप करेंगे मैदे के बैटर में, फिर डिप करेंगे इसमें ड्राई वाले इसमें कॉर्न स्टार्च में, ये देखो दूसरे हाथ से इसको मिलाना ताकि एक हाथ गीला रहेगा ना तो चिपकेगा नहीं दोनों हाथ में, तो आप इसको बढ़िया से दोनों हाथ इस्तेमाल करो अच्छे से आप मिलाओ, ये देखो बहुत प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जितना इसमें चिपक रहा है अच्छे से अपने आप जितना चिपक जाए उतना काफ़ी है, ठीक है, ये देखो एक्स्ट्रा डस्ट आप निकाल दो हल्का सा झाड़ के, ठीक है हो गया। अभी इसको ऐसे कर करके आप बाकी चिकन स्ट्रिप्स भी रख लो। क्या करेंगे, कढ़ाई लो, कढ़ाई में तेल भर लो, लगभग 1/4 एटलीस्ट तेल इसमें रहना चाहिए ताकि आप इसको डीप फ्राई अच्छे से कर सको, तेल गर्म हो जाए, मेरा तेल यहाँ पे गर्म हो गया है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास बैटर बचा हो तो ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स डाल के चेक कर सकते हैं टेम्परेचर, ये देखो फ्लोट होने लग रहा है, मतलब तेल बढ़िया से गर्म हो गया है काम भर का, ये देखो अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसको निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे डालेंगे अपने चिकन एक एक करके आराम से, ये देखो मैरिनेट करने के बाद लगभग 1
से 2 मिनट कम से कम रेस्ट दे देना ताकि ये अच्छे से पूरा मैरिनेशन चिपक जाए उसमें। अभी इसको चिकन बोनलेस है तो उसको फ्राई होने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन इसको अच्छे से ब्राउन गोल्डन ब्राउन करने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले एक बार इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखो अपना चिकन यहाँ पे बढ़िया से फ्राई होना शुरू हो गया, ये देखो, ठीक है, बढ़िया से कोटिंग हुआ है, पकना शुरू हो गया है। ओके अभी क्या करेंगे, अभी इसी स्टेज पे इसको निकाल लेते हैं बाहर। जैसा कि मैंने बोला, बढ़िया क्रिस्पी बनाने के लिए इसको हम लोग 2 बार फ्राई करेंगे, ठीक है। इसको एक बार ऐसे करके छान के एक बार एक राउंड निकाल लेते हैं। 2 मिनट हो गए, अभी 2 मिनट के बाद इसको दोबारा से हम डालते हैं वापस। ये देखो बढ़िया सा कुरकुरा शेजवान चटनी के साथ इसको मिक्स करेंगे। तो अभी इसको शेजवान सॉस बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च मिल जाए तो वही इस्तेमाल करना ताकि एक बढ़िया सा लाल डार्क रेड कलर आएगा। तो आप इस शेजवान चटनी को या सॉस को आप बना के आप घर पे आप रख सकते हो लंबे समय के लिए, लगभग 1.5 से 2 हफ्ता आप फ्रिज में बना के रख लो तो ये 1.5 से 2 हफ्ता आराम से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च को मैं क्या किया हूँ, गर्म पानी में भिगो के रख दिया था लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। ये देखो यहाँ पे हल्का सा ही मुलायम हो गया, काफ़ी हद तक मुलायम हो गया है, ठीक है। ये देखो फूल गया है, बढ़िया से पानी अच्छे से इसमें सोख हो गया। तो लगभग यहाँ पे मेरे पास 6 से 7 लाल मिर्च है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पाइसी रहता है, अगर आपको थोड़ा सा कम स्पाइसी चाहिए तो आप मिर्ची थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन शेजवान चटनी शेजवान का जो मसाला होता है जो सॉस होती है वो बहुत स्पाइसी होती है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी रखेंगे, इसलिए यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि स्पाइसी थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन इसका रंग बहुत बढ़िया आएगा साथ में। तो इसको अभी निकाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखो अच्छे से पेस्ट बना लिया, देखो क्या बढ़िया सा लाल रंग एकदम अच्छा कश्मीरी लाल मिर्च का आया है, एकदम यही वाला लाल मिर्च यूज़ करना, बहुत बढ़िया रंग आएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। चलो इसको अब इसका सॉस बनाते हैं। अभी क्या करना है, फ्राई पैन लो, फ्राई पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच तेल, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक, ये गया, और साथ में जाएगा बारीक कटा हुआ ये है लहसुन, ठीक है, लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ दोनों मिलाएंगे इसमें। ये देखो हल्का सा जब अदरक और लहसुन ब्राउन होने लगे तब यहाँ पे लाएंगे अपना लाल मिर्च वाला पेस्ट, पूरा यहाँ पे मिला देंगे, ध्यान से मिलाना, इसका बहुत तीखा आएगा, छींक आ सकता है, ठीक है। तो मज़े से आराम से बनाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो पेस्ट इसका मिक्स हो गया है क्योंकि तेल अलग हो रहा है, मतलब ये फ्राई हो गया है। अभी इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच टोमेटो केचप, देखो ये टोमेटो केचप 1 चम्मच, यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच ये डार्क सोया सॉस है, 1 चम्मच ये डालेंगे, 1 छोटा चम्मच चाहिए, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना इसको, और ये है विनेगर, सिरका 1 छोटा चम्मच सिरका, थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच मतलब बहुत कम। इसको मिक्स करते हैं, 1 छोटा चम्मच आधा छोटा चम्मच थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, काला नमक या फिर काला नमक नहीं है ये पिंक सॉल्ट है, ठीक है। तो आप ये नमक इस्तेमाल करना, थोड़ा सा डालना क्योंकि सोया सॉस टमाटो सॉस में नमक ऑलरेडी है, यहाँ पे बस फ्लेवर के लिए चुटकी भर नमक, और यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे, बस ये हो गया, क्योंकि इसमें एसिड पड़ गया ना और तेल भी है तो ये अचार का काम करेगा। इसको आप बना के रख लो लगभग 1.5 से 2 हफ्ता फ्रिज में, 2 हफ्ता कम से कम चलेगा ये बढ़िया से। अब इसमें मिलाएंगे फाइनली अपने चिकन, अपना बढ़िया सा शेजवान
फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स तैयार, इसको सर्व करते हैं अभी। देखो ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी भी है और शेजवान सॉस का वो स्पाइसीनेस, टैंगी फ्लेवर सॉस का, टोमेटो सॉस का, भाई खा के मज़ा आ जाना है, एकदम मज़ा आ जाएगा। मतलब इसके साथ कुछ मीठा मोइतो या फिर कोल्ड ड्रिंक, शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है भाई आजकल, जो लोग डाइट पे हो भाई अब ये खाओगे तो डाइटने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक दो दिन आराम से एंजॉय करो, वीकेंड में बैठो बनाओ खाओ, ठीक है, मज़े करो बनाओ। एंड प्लीज़ डू कमेंट करके बताओ रेसिपी कैसी लगी, टेस्ट कैसा लगा, फ्लेवर कैसा लगा, स्पेशली इसके सॉस का बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो मैं अलग अलग वीडियो में लाइक एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड टू खाली इसका सॉस बनाने के लिए मैं दिखा दूंगा, शेजवान सॉस या चटनी अलग से बनती है और बहुत सारे इसके वेरिएंट्स हैं, जितने वेरिएंट्स मुझे मिलेंगे मैं समझ में आएगा या जितना मैं वेरिएशन बना सकता हूँ पॉसिबल जो घर पे इजली बन जाए, मैं वो एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा इसके ऊपर भी। तो फिलहाल के लिए आप ये बनाओ, खाओ, बताओ कैसा लगा, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे आने वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इंस्टाग्राम का लिंक जैसे कि मैं देख के रखा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, ताकि मुझे वहाँ फॉलो करो, क्लिक करो लिंक पे, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार टेस्टी एंड टैंगी है आप में भी स्वीट रेसिपी के साथ।